आपकी हार की वजह मालूम है क्या आपको? हार की वजह मालूम करने का वक्त नहीं मिला, उससे ज्यादा जो बड़े प्रश्न हैं उनके पीछे काम करने का वक्त मिला और उस पर ज्यादा ध्यान देना मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे लगता है हार के ऊपर बैठ के एक हद के बाद सोचने का मतलब नहीं होता। जब आपको पता होता है कि आपकी जीत के लिए और आपके पार्टी के उस सीट के लिए जीत के लिए आपने हर कोई कोशिश की है, तो हार ज्यादा मायने नहीं रखता। तो इसलिए मैंने इमीजिएटली तुरंत ही कोई वक्त बिना गवाए उसी क्षेत्र में काम शुरू किया है जिस क्षेत्र से मैं हारी हूँ, और वो सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं लेकिन महाराष्ट्र के। मुझे बहुत खुशी है ये आप सबको बताते हुए कि महाराष्ट्र के अन्य विभिन्न जगहों पर भी मैं पहुंची जहां पे बाढ़ आई हुई है। 2 दिन का दौरा मैंने किया सांगली, मिरज, इचलकरंजी और कोल्हापुर में। वहां पे आर्थिक मदद की, बहुत सारा सामान लेकर मैं खुद पहुंची। सुबह 2:30-3 बजे के उठे हैं हम लोग, 9 घंटे ड्राइव करके वहां पहुंचे, और भगवान ने इतना दिया है एक कलाकार के रूप में कि वो भी एक तरह से यूज करके उनके मायूस चेहरों पे बहुत बड़ी एक खुशी ला सकी, हंसी ला सकी, उन्हें धैर्य दे सकी। और मुझे लगता है अभी का टाइम मुझे ज्यादा इन चीजों में अपने आप को व्यस्त करने में देना मैं मुनासिब समझती हूँ। बीजेपी हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? उसकी वजह से कांग्रेस के या राष्ट्रवादी के नेता दबाव में या डरे हुए नजर आ रहे हैं क्या? मुझे लगता है नेता, ये जो वर्ड है ना, ये जो शब्द है, उसके साथ डर और दबाव जाना नहीं चाहिए। एक अगर आइडियल सी दुनिया देखे तो मुझे लगता है कि जो गलत वक्त पे अपने विचार बदलते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, वो उनको मुबारक हो। बाकी मुझे लगता है नेता बनने के लिए सबसे बड़ी चीज अपने आप के विश्वासों पे, विचारों पे अटल बने रहना, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और इस विचार पे चलकर मैं अपनी जिंदगी जी हूँ और अपना आगे का भी करियर बनाना चाहती हूँ। बाकी मुझे लगता है अगर ऐसा है तो बहुत दुख भरी बात है, क्योंकि एक लोकशाही तंत्र में ये बहुत गलत बात है। लेकिन ये तो है कि मैं आप नेताओं की बात क्यों कर रहे हैं, आज हम मीडिया की भी अगर बात करें तो मीडिया को मैंने स्पेशल शुक्रिया कहा था जब मेरा कैंपेन खत्म हुआ, क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत, हालांकि आए वो अलग विचारों से थे, ये सोचकर कि ये देखने और जांच करने की मैं कितनी सूझबूझ रखती हूँ राजनीति की, लेकिन वो मेरी बहुत थोड़ी बहुत सूझबूझ समझने के बाद उन्होंने मेरा काफी सहकार्य दिया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा कि मीडिया भी बहुत हद तक दबाव में है, जो उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए वो करने के बजाय जो कहा जाता है वो शायद कुछ हद तक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो एक वातावरण है वो बहुत हद तक हर एक क्षेत्र में समाज के दिखाई दे रहे हैं, ये वस्तु स्थिति, इसे हम कोई भी नकार नहीं सकते। मैम, सेलिब्रिटी को टिकट आसानी से मिलता, आपको कार्यकर्ता नहीं बल्कि सेलिब्रिटी के तौर पे टिकट दिया गया था, तो आप सेलिब्रिटी को ये बुरा नहीं लगता कि कोई एक कार्यकर्ता या कोई एक लीडर जमीनी सतह पर काम करता और इलेक्शन में आप जैसी सेलिब्रिटी आके कहां छीन लेती? नहीं, ये देखिए, ये बहुत सही बात कही आपने, लेकिन ये बात भी आपको समझनी चाहिए कि जो लोग आते हैं उसके लिए एक ही रूल नहीं बन सकता। जहाँ पे इंसानों की बात होती है, हर जगह पे 1 किलो मतलब 1000 ग्राम नहीं होता, तो हर इंसान अपनी अलग शख्सियत विचार लेकर आता है। तो मुझे लगता है, मुझे बहुत अभिमान है ये बात कहने के लिए कि जो मेरा कैडर रहा है, जो मेरे कार्यकर्ता, जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, वो आज भी कुछ मेरे साथ भी आए हैं यहाँ पर बम्बई से लेकर, गाड़ी से आए हैं, वो इस वजह से जुड़े हैं कि कहीं ना कहीं मुझमें उन्होंने वो काम करने की, वो उन तक पहुँचने की, उनके थ्रू लोगों तक पहुँचने की एक तरह की विचार देखे हैं, और वो जो सही विचारों को आगे लेकर जाने की एक सोच देखी है। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना ये होता है। अगर मैं अपने रूम में बैठ के उनसे काम करवाती और कुछ करती ही नहीं तो शायद उनका ये मानना सही होगा, लेकिन मैं खुद ये कोशिश करूंगी कि मेरे साथ यहाँ पर और हर जगह जो कार्यकर्ताओं ने काम किया उनमें से जो भी जिनको भी चाहिए उनको आगे आने की मैं खुद कोशिश करूंगी कि वो आगे आए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ लोग धारा के साथ बहते हैं और कुछ लोग विचारधारा के साथ बहते हैं, और मैं विचारधारा के साथ खड़ी रहने वाली व्यक्ति हूँ,
मैं धारा में तो इस भी नहीं बहूंगी उस भी नहीं, तो क्योंकि मैं विचारधारा के साथ थी और ना कि धारा के साथ, तो इसलिए मैंने जो विचारधारा सही समझी उसके साथ खड़ा रहना सही समझा। अभी हार और जीत उसके बाद में उस क्षण की सच्चाई है, ना कि पूरे अस्तित्व की सच्चाई है। तो मुझे लगता है आने वाला वक्त बेहतर मेरे ख्याल से सच्चाई को आगे लाने में। मला असं नाही काय म्हणायचं, मला अजूनही जनतेमध्ये विश्वास आहे, मला अजूनही असं वाटतं की ते जे काही विचार करतात, पण असं येऊ शकतं की जनतेच्या समोर जे प्रश्न जे ज्या प्रकारचे चित्र रेखाटलं जातं त्या कुठेतरी भरामध्ये त्या भावनेच्या भरामध्ये माणूस विचार करू शकतो, त्याच्यावरती निर्णय घेऊ शकतो। आणि खरं सांगायचं तर मी नवी आहे खरं तर या गोष्टीवरती उत्तर देण्याच्या, मी माझे प्रयत्न करू शकते आणि म्हटल्याप्रमाणे माझ्यातर्फे लोकांपर्यंत ते संदेश पोहोचवू शकते। पण मला असं वाटतं की कुठेतरी हेही खूप मोठ्या प्रमाणावर होतंय की जनतेला मुळात चित्रच भलतंच दाखवलं जाते। की आजच्या पेपरामध्ये जर तुम्ही उघडून बघितलं तर पेपराच्या वरती लिहिलंय की निवडणुकीच्या निवडणुका समोर असताना साखर पेरणी, आणि जनतेवरती काय 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 छान छान गोष्टींची आज बहुत सारी चीजो के आश्वासन दिली गेली आहेत। आणि त्याच्यात त्याच पेपराच्या खाली बरोबर लिहिलं गेलंय की शेतीमध्ये काही न मिळालेले बिचारे अनेक शेतकरी आमचे बांधव जास्त करून आपल्याच या सगळ्या क्षेत्रातले जे मग शहरांच्या दिशेने जातात त्यांना तिथे सुद्धा काही रोजगार मिळत नाही, म्हणजे मग माणसाने जायचं कुठे, ही वस्तुस्थिती आहे। पण कुठल्या गोष्टी मी म्हटल्याप्रमाणे जोरात सांगितल्या जातात आणि कुठेतरी पेपराच्या खाली कुठेतरी काय येतात, ह्या सगळ्या गोष्टींनी कुठेतरी जनता भारावून जाते। त्यांना त्यांच्या रोजच्या अनेक चिंतांमध्ये कदाचित विचार करायला मिळत नसेल, पण वस्तुस्थिती आहे खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे। आणि मी प्रश्नच नाही कारण का मला अजूनही असं वाटतं शेवटी साहेब आम्ही कोण आहोत, आमच्यासारखे लोक येतात आणि जातात, तुम्ही लोक लोकशाहीचा चौथा बुरुज आहात, हे मी नाही लिहिलंय, हे आपल्या ह्याच्यात लिहिलेलं आहे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, त्यामुळे ते मी तर मी कोण आहे, मी तर फार छोटी एक स्वतःला कार्यकर्ता समजतो।